कॉरपोरेट गवर्नेंस की। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में सबसे पहले समझते हैं गवर्नेंस क्या होता है। तो गवर्नेंस का लिटरल मीनिंग जो होता है, गवर्नेंस अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है और जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्टीयर, किसी चीज़ को स्टीयर करके कहीं ले जाना। सो इट ऑल अबाउट मैनेजिंग समथिंग इज गवर्नेंस। फिर आता है बिजनेस। बिजनेस कॉरपोरेशन क्या होता है? इन अ बिजनेस कॉरपोरेशन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। मनी इज मोस्टली रेस्ड बाई द पब्लिक एट लार्ज बाई इशूइंग शेयर्स। बिजनेस इज मैनेजमेंट बाई डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बिजनेस में क्यों हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस की नीड पड़ी? तो बिजनेस जो होता है ना, अगर मान लीजिए कोई किसी का खुद का पैसा है तो हमें वहाँ गवर्नेंस की क्या ज़रूरत है? बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में जो एक अकाउंट्स जिन्होंने पढ़ी होगी वो ये भी जानते होंगे कि एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, वो ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है वो डिफरेंट है, क्योंकि शेयर जारी करके उसमें पब्लिक के पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं। इसलिए बिजनेस जो होता है वो डिफरेंट होता है उसके ओनर से। तो वहाँ पे कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उस शेयर होल्डर्स में पब्लिक भी होती है जो, और जिन्होंने जो उसके ओनर होते हैं वो भी होती है, और गवर्नमेंट भी होती है। इसीलिए हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस की नीड होती है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि सेट ऑफ मेथड, इसकी डेफिनेशन अगर हम जाएं तो, सेट ऑफ ऑल मेथड्स एंड प्रोसेसेस दैट स्टीयर अ बिजनेस कॉरपोरेशन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट ऑफ स्टेयर होल्डर्स इन जनरल एंड शेयर होल्डर्स इन पर्टिकुलर आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। मतलब ऐसा होता है कि किसी के भी इंटरेस्ट जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज ना करें और आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपरली चलता रहे, प्रॉपरली अपने गोल्स को अचीव करता रहे और किसी के इंटरेस्ट भी हार्म ना हो। तो वो कॉरपोरेट गवर्नेंस द्वारा इंश्योर किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन लोग होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक बिजनेस एंटिटी में? सबसे पहले तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, यानी जिनकी कंपनी है, जिन्होंने कैपिटल दिया है, दोज पीपल आर शेयर होल्डर्स। देन आते हैं पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक, और उसके बाद आता है गवर्नमेंट हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट से कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट कई सारी चीज़ें जैसे पावर को प्रोवाइड कराना और टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हिस्से के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि अब इसमें एथिकल गवर्नेंस हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं, मतलब रियल ओनर्स जो होते हैं, जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, जिन्होंने कैपिटल दी है। ठीक है, अब वो लोग जो होते हैं ना, वो उन्होंने कैपिटल तो दे दी पर मैनेजमेंट का काम वो नहीं देखते हैं। दे प्रोवाइड कैपिटल, कंपनी उनकी है, बट मैनेजमेंट का काम दूसरे लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं? क्या ऐसा है कि उनके इंटरेस्ट हर्ट हो सकते हैं? सॉरी, एक मिनट। क्या ऐसा है जो उनके इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो सकते हैं? पहला तो है कि हम कोई ऐसा डिसीज़न अगर मैनेजमेंट बनाता है, करता है, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स कम हो जाए या उनको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कम हो जाए। इनसाइडर ट्रेडिंग, इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि पहले से ही हम शेयर मार्केट को में स्पेकुलेशन के अनुसार मैनिपुलेशन कर देते हैं। पहले से ही हम घटना बढ़ना के अनुसार उसको, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग वही होती है। फिर पर्टिकुलर पार्शियल ट्रीटमेंट विच हेल्प सम बट नॉट अदर्स, मतलब कुछ लोगों की हेल्प हो, कुछ लोगों को लाभ मिले, कुछ को ना मिले, तो डेट विल बी वो पार्शियलिटी हो जाएगी। फिर फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करना, मतलब कुछ जैसे मान लीजिए कि फंड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और उसको कम दिखाना। फिर प्रॉफिट्स को हाइड करना, जो उनके जो ओनर्स हैं उनसे प्रॉफिट को छुपाना और खुद जो है उस प्रॉफिट की हिस्सेदारी लेना। अब इसमें हम कॉरपोरेट गवर्नेंस अचीव कैसे कर सकते हैं? हम एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऑनलाइन, सारी जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारा ऑनलाइन कर दिया जाए। फिर एनुअल मीटिंग हो रेगुलर, जो मतलब कंडक्टिंग एनुअल बॉडी मीटिंग रेगुलरली, मतलब जो रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए कंपनी की। फिर
जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है वो पीरियोडिकली चेंज होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के इंडिपेंडेंट अगर आपके ऑडिटर्स हुए तो उनकी जो मैनेजर्स हैं उनके साथ में साठगांठ हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें रेगुलरली उनको चेंज भी करना चाहिए। फिर आती है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब जो आपकी सरकार होती है। अब उसको क्या क्या है कि उसके इंटरेस्ट हर्ट सकते हैं। टैक्स इवेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल नॉर्म्स को मतलब ना मानना, मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो कुछ नॉर्म्स सरकार ने रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उसका उल्लंघन करना। जो भी आपके रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, जैसे कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में, या इस तरह का कुछ भी नॉर्म्स बना रखा है उसको ना मानना। उसके बाद है कि जो टाउन प्लानिंग में हम देखते हैं कि नॉर्म्स को नहीं मानती हैं कंपनियां, कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए वहाँ, फिर भी वहाँ पे बन जाती हैं, तो दोज़ आर वायलेटिंग गवर्नमेंट के इंटरेस्ट। ठीक है, सेफ्टी नॉर्म को ना मानना, लेबर लेजिस्लेशन, कुछ पर्टिकुलर लेबर लॉज हैं उन लेबर लॉज को ना मानना। ठीक है, अब इसमें कैसे हम कर सकते हैं, मतलब कैसे हम अचीव कर सकते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। लॉज जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए और कॉन्सर्न प्लेयर्स से, जो भी बिजनेस के एंटिटी जिनके ओवर करती हैं उनसे, उनके साथ मिलके हमें लॉज बनाना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट का काम अब रेगुलेटर ना होके फैसिलेटर हो रहा है, तो आपको ऐसे लॉज भी इतने टफ इतने मुश्किल नहीं बनाने चाहिए कि भाई उनका उल्लंघन करना ही पड़े किसी को प्रॉफिट कमाने के लिए। तो लॉज सिंपल होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई फैसिलेशन का काम करें, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए अगर किसी ने वॉयलेशन किया है। स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म होना चाहिए, इन्फोर्समेंट के लिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म होना चाहिए आपके जो, और इसके अलावा एक ईजी कंप्लायंस मैकेनिज़्म, मतलब ऐसा ना हो कि भाई लॉ को कंप्लाई करना आसान नहीं है, लॉ से कंप्लाइन करना आसान हो ऐसा लॉ हमें बनाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शेयर स्टेक होल्डर आता है दैट इज़ पब्लिक। ठीक है, जनता। अब पब्लिक इंटरेस्ट को क्या हर्ट कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो वाटर बॉडीज़ में अपने पॉल्यूशन पॉलिटेंट्स को छोड़ रही है। ठीक है, एग्जॉस्ट मतलब उसने एयर पॉल्यूशन किया है। ठीक है, इसके अलावा होर्डिंग कर ली है, मतलब आर्टिफिशियल डिमांड, मतलब मार्केट में किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपने उस चीज़ को होल्ड करके रख लिया है। ठीक है, CSR एक्टिविटी जो है आपकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपने नहीं फुलफ़िल किया है। ठीक है, तो आप कैसे इस चीज़ को कॉरपोरेट गवर्नेंस इंश्योर की जा सकती है सो दैट पब्लिक के इंटरेस्ट हार्म ना हो। ट्रीटिंग वेस्ट एंड एग्जॉस्ट बिफोर इट इज़ रिलीज, मतलब ऐसे नॉर्म्स प्रॉपरली होने चाहिए कि आपको अपने जो एनवायरमेंट के कंप्लायंस है उसको फुलफ़िल करें। फिर उसके बाद CSR पे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर आपने हाई CSR किया है तो थोड़ा बहुत रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है तो कंपनीज जो होंगी तो वो बेहतर CSR मैकेनिज्म को अपनाएंगी और ज़्यादा CSR करेंगी। ठीक है, एंड होल्डिंग पे जो है वो लगाम लगनी चाहिए, ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपनाने चाहिए सरकार को, वो भी एफिशिएंट की होल्डिंग ना हो पाए। सो ये था ओवरऑल आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस का। इस तरह से ये वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।